हेलो फ्रेंड्स आई एम अ देशमुख वेलकम टू फिजिक्स बाय थ्रिव देशमुख सो इन दिस आवर लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर वेव मोशन एंड साउंड बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मतलब कि देखिए फ्रीक्वेंसी जो है पिछले, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था डॉपलर इफेक्ट देखा था जो डॉपलर इफेक्ट था उसमें हमने बेसिकली देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो लगातार चेंज हो रही है जब एक सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ऑब्जर्वर तक जा रहा है उस पात तक जो है फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है पर अगर हमारे पास एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आया कि उस ऑब्जर्वर पर यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है सोर्स है लेट ये सोर्स है सोर्स देखे कुछ भी हो सकता है मैंने क्या कहा आपका जो हेडफोन है वो भी सोर्स हो सकता है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा दैट इज सोर्स फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है ये आप हो राइट right? ये आप हो ये ऑब्जर्वर है मैंने आप क्या कहा था कि यहां से कुछ तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले पिछले पार्ट में हंड्रेड वेव्स देखे थे हंड्रेड हर्ड्स देखा था अभी हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल वन ट्वेंटी हर्ड्स राइट right? वन ट्वेंटी हर्ड्स फ्रीक्वेंसी निकली सोर्स से यहां तक इस ऑब्जर्वर तक कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी यक्स फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी को हमें निकालना है देखिए कैसे निकालेंगे यही आज की इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ इतना देखने वाले कि ये यक्ष फ्रीक्वेंसी है या तो जो ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिल रही है उस फ्रिक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे बेसिकली हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कैसे केसेस देखिए फर्स्ट केस मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो पहले हमें देखना होता है स्टेट उनके डायरेक्शन स्टेट और डायरेक्शन राइट देखिए फर्स्ट अगर हम देखें उसका स्टेट जब हमारे पास ऑब्जर्वर जो है राइट right? जो हमारे पास ऑब्जर्वर जो है फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पहले सोर्स ये सोर्स ले लिया राइट right? ये ले लिया ऑब्जर्वर ये ले लिया ऑब्जर्वर देखिए अभी मैं इसको सोर्स को सिर्फ यस से रिप्रेजेंट करूंगा ऑब्जर्वर को ओ से रिप्रेजेंट करूंगा राइट अब समझ लीजिए ये ले लिया सोर्स ये ले लिया ऑब्जर्वर सोर्स ने कुछ तो साउंड प्रोड्यूस किया ऑब्जर्वर तक गया बेसिकली अभी फर्स्ट केस हमारे पास एक आती है फर्स्ट केस ओके फर्स्ट केस हमारे पास ही आती है कि सोर्स और ऑब्जर्वर सोर्स क्या हमारे पास रेस्ट में है ऑब्जर्वर क्या हमारे पास मोशन में है तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सोर्स के पास जा रहा है ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है राइट ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है सोर्स ऑब्जर्वर के पास नहीं आ रहा यानी कि जब सोर्स रेस्ट पर है और जब ऑब्जर्वर मोशन में है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑब्जर्वर की वो देखेंगे राइट right? वो देखना है हमें सेकंड केस में हम देखेंगे कि राइट सेकंड केस में हम ये देखेंगे कि सेकेंड केस में बेसिकली अभी हमारे पास सोर्स जो है हमारे पास सोर्स है राइट यस रिप्रेजेंट किया मैंने या अभी मोशन में है right? राइट ये मोशन में है दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ये हमारे पास ऑब्जर्वर है हमारे पास ये क्या है मोशन में रेस्ट में सॉरी एक रेस्ट में है तो दूसरा मोशन में है देखिए एक मोशन में है एक रेस्ट में है अभी क्या होगा सोर्स मोशन के पास सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा अभी ऑब्जर्वर सोर्स uh, के पास नहीं आएगा, अभी सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा राइट थर्ड केस देखते हैं थर्ड केस में क्या है बेसिकली सोर्स है हमारे पास राइट right? ये सोर्स है ऑब्जर्वर है ये रेस्ट में है तो आप बोलोगे ये मोशन में बिल्कुल तो ये तो यहां पर भी पड़ा यहां पर भी पड़ा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए इस केस में ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर जो है सोर्स के पास भाग रहा है सोर्स की तरफ जा रहा है सोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है सोर्स के पास जा रहा है राइट सोर्स के पास जा रहा है इस केस में ऑब्जर्वर

ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सोर्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा है क्या कर रहा है सोर्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा है समझ आ गया फर्स्ट केस और थर्ड केस अलग अलग है इसी वजह से दोनों में भी हमें फ्रीक्वेंसी निकालना कुछ अलग अलग ढूंढना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी हमारे पास अलग अलग आएगी ये भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहां से मिलेगी ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहां मिलेगी ये भी हम देखेंगे कैसे मिलेगी और इसके फॉर्मूलाज भी हम देखेंगे ये तो गया फर्स्ट केस योग सेकेंड गया थर्ड राइट फोर्थ केस देखेंगे ये ले लिया हमारे पास एक हमने कार सोर्स। देखिए आप मैंने यहां पर कार बनाई है आप ट्रेन बना सकते हो आप मेगाफोन बना सकते हो आप कुछ भी कुछ भी कुछ भी रख सकते हो एक स्क्वायर बॉक्स भी रख सकते हो राइट मैंने सिर्फ यहां पर डिजाइन के लिए आपको समझ में आने के लिए सिर्फ यहां पर मैंने ऐसी कार निकाल है। अभी देखिए ये केस बहुत ज्यादा डिफरेंट है कैसे देखिए कैसे देखिए अभी यहां पर मोशन लिखा है यहां पर क्या आएगा रेस्ट नहीं यहां पर अलग केस है। मैंने क्या बोला ये थोड़ी डिफरेंट केस है तो यहां पर भी मोशन में है तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है यहां पर सोर्स भी मोशन में है ऑब्जर्वर भी मोशन में है पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्या एक डायरेक्शन ऐसी हो सकती है ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर यहां पर जा रहा है तो सोर्स भी यहां पर जा रहा है एक डायरेक्शन ऐसी हो सकती है कि ऑब्जर्वर यहां जा रहा है तो सोर्स भी आ जा रहा है एक डायरेक्शन ऐसी हो सकती है कि ऑब्जर्वर इधर जा रहा है सोर्स इधर जा रहा है एक डायरेक्शन ऐसी हो सकती है ऑब्जर्वर इधर जा रहा है सोर्स इधर जा रहा है ऐसी चार डायरेक्शन हो सकती है हो सकती है कि नहीं हो सकती यहां पर ऑब्जर्वर और सोर्स की एक डायरेक्शन है यहां पर भी ऑब्जर्वर और सोर्स की एक डायरेक्शन है पर ए और बी के ऑब्जर्व अपोजिट डायरेक्शन है ए और बी पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ए ए में क्या हो रहा है ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं

यहां पर देखिए यहां पर डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है राइट यहां पर डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है पर यहां पर, दोनो पर दोनों भी मूव कर रहे हैं राइट यहां पर दोनों भी मूव कर रहे हैं जैसे कि देखिए रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल ले लेते फिर से आप स्टेशन पर हो यहां से ट्रेन आ रही है राइट यहां से ट्रेन आ रही है आप सीट पकड़ने के लिए ट्रेन में सीट में ट्रेन में सीट पकड़ने के लिए आप ट्रेन ट्रेन के डायरेक्शन में भागते हो राइट देखिए जैसे कि मैं कहूं यहाँ पर यहां से ट्रेन आ रही है राइट या राइट यहाँ से ट्रेन आ रही है स्टेशन है। आप यहाँ पर खड़े हो जैसे ही ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी आप इसी डायरेक्शन में भागोगे कि नहीं भागोगे बिल्कुल भागोगे राइट right? आपको सीट पकड़नी है तो आप इसी डायरेक्शन में भागोगे राइट right? आप इसी डायरेक्शन में भागोगे तो वैसे ही ये भी मोशन में है आप भी मोशन में हो और ट्रेन भी मोशन में सोर्स भी मोशन में ऑब्जर्वर मोशन में डायरेक्शन सेम राइट right? यानी कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता कि एक रेस्ट में है तो दूसरा मोशन में होना ही चाहिए सोर्स रेस्ट में है तो ओ, क्या कहें ऑब्जर्वर मोशन में होना ही चाहिए ऑब्जर्वर मोशन में है तो सोर्स रेस्ट में होना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा कंपलसरी नहीं है दोनों भी रेस्ट में हो सकते हैं दोनों भी मोशन में हो सकते हैं एक रेस्ट में एक मोशन में हो सकता है राइट right? हो सकता है सो so, अभी आपको एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था आज के इस वीडियो में देखने वाले फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेगा ऑब्जर्वर की तो देखिए इस पर जो है हम हमने सिर्फ इस वीडियो में देखा कि कैसे कैसे किस किस वे में हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढने को मिलती है किस किस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी मिलने ढूंढने को मिलती है किस किस डायरेक्शन में ढूंढने को हमें मिलती है अगली वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मूलाज देखेंगे इस केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इस केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे और इस केस में क्या करेंगे इस केस में हर एक केस में हम formula, क्या क्या हम यूज करेंगे और ये जो चार सब केसेस जहां पर डायरेक्शन 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 इक्वल सेम ये सब है उनको भी हम देखेंगे राइट फर्स्ट केस में क्या हो रहा है सोर्स और ऑब्जर्वर सोर्स क्या है रेस्ट में ऑब्जर्वर क्या है मोशन है ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सोर्स के पास भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है राइट ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सोर्स के पास अट्रैक्ट कर रहा है सोर्स sure के पास अट्रैक्ट कर रहा है सेकेंड केस में क्या हो रहा है मोशन सोर्स मोशन में है ऑब्जर्वर रेस्ट में है फिर क्या करेगा सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा अट्रैक्ट करेगा थर्ड केस में क्या हो रहा है सोर्स रेस्ट में है ऑब्जर्वर मोशन में है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ऑब्जर्वर उससे रिपेल हो रहा है दूर भाग रहा है सोर्स से दूर भाग रहा है रनिंग अवे राइट लास्ट केस में क्या हो रहा है सोर्स मोशन में है ऑब्जर्वर भी मोशन में है दोनों के कुछ तो डायरेक्शन होगी ऑपोजिट होगी इक्वल होगी सेम होगी एक पॉजिटिव एक निगेटिव में दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में ऐसा होगा तो आज के इस वीडियो में हमने अभी तक ये पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी के क्या क्या, क्या केसेस हो सकते हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट क्योंकि हमें ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट निकालनी है क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपको सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी गई होगी राइट कुछ तो वन ट्वेंटी हर्ट्स फाइव हंड्रेड हर्ट थ्री थर्टी हर्ट थ्री थर्टी हर्ट्स देखिए क्या है थ्री थर्टी थ्री थर्टी हर्ड थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड इधर स्पीड ऑफ साउंड गैस स्पीड ऑफ साउंड गैस राइट सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग